Hi, मैं हूँ गीता कपूर. This is India's best dancer. Subscribe to Live Music channel and hit the bell icon for more performances. Judges, प्यार प्रेम प्रीत चाहत मोहब्बत इश्क उन्स आशिकी उल्फत जुनून दिलकशी दिलरुबा आरजू मदहोशी बेहोशी खुमारी बेकरारी तड़प धड़क आस प्यास चांद याद डायरी शायरी प्रीत गीत मीत इनमें से एक भी शब्द का हमारे अगले डांसर शिवम से कुछ भी लेना देना नहीं क्योंकि जब लड़की ही नहीं है तो इन शब्दों से क्या लेना देना. शिवम का सिर्फ एक शब्द से लेना देना है, डांस, जो वो अब करने वाला है. सो इंडिया टॉप 10 में अपनी जगह बनाने के लिए रोमांस स्पेशल में आ रहे हैं. देखकर अपने बालों के झड़ने की गति, जो फटाफट बनना चाहता है पति, जलगांव महाराष्ट्र से शिवम वांकडे और उनके कोरियोग्राफर वैभव घुगे. अमीषा जी, क्या आप मेरे साथ कहो ना गदर है करेंगी? ओ सॉरी, कहो ना प्यार है करेंगी? हेलो, मैडम जी, क्या कह रही थी आप? जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद था. लो, कह दिया. तारा, वो देखो अशरफ अली. अशरफ अली मैडम जी, आप तो थक गई होंगी, ये लो पानी. मेरे साथ तू खड़ा देगा टेबल पे इस बात की. अरे वाह वाह, क्या बात है वैभव. सालों साल से मैंने ऐसी एक्ट नहीं देखी है. अरे ऐसा एंटरटेनिंग अगर आप करोगे ना दुनिया को, भाई यू कैन नेवर गो रॉन्ग. यू कैन नेवर गो रॉन्ग. यू आर ब्रिलियंट. व्हाट अ कोरियोग्राफर यू आर एंड व्हाट अ डांसर यू आर. शिवम, गॉड ब्लेस यू बोथ यार, फैंटास्टिक. आया है तो कुछ काम हमें भी करने दो. हाँ जी. ओहो, पता नहीं क्यों जब लोग एंटरटेनिंग और कॉमेडी एक्ट्स करते हैं, हम ये करना भूल जाते हैं. अरे वाह वाह वाह, क्या बात है.
मैं यही कहूंगी कि इस हफ्ते का मेरे लिए ये एक तूफानी परफॉर्मेंस है। थैंक यू सो मच। एंड मर्जी सर, वैभव कैन यू वॉक हियर एंड शिवम बोथ ऑफ यू कम हियर। 1, 2, 3 Best performance, Vaibhav and Shivam. पिछले दो हफ्ते और इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल होता है 64. All right, क्या बात है? मैं आपको भी फाइनल्स में देखना चाहता हूँ बॉस। अरे वाह, दिल से। क्या एक्ट किया यार, धमाकेदार परफॉर्मेंस था। शिवम, आप जब उधर से टर्न किया, इट वॉज माई ओ माई गॉड मोमेंट फॉर मी। कहो ना प्यार है, मैंने जिंदगी में तो ये स्टेप करने में और इसको लाने में और इजाद करने में इतना टाइम लग गया था हमें। आई कांट बिलीव यू वेंट एंड डिड दिस ऑन दैट स्टेप। कहो ना प्यार है, मैं मर गई है दैट पॉइंट। एवरी टाइम यू कॉल्ड हिम एंड आई वाज लाइक गॉड। कहो ना प्यार है शिवम, जो सोलो किया है आज, जो फाड़ा है, ऐसा लगा कि शिवम आज दो लोगों के लिए नाच के छोड़ेगा। दिस वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोमांस फॉर मी। रोमांस में खुशियां भी होनी चाहिए, फन भी होना चाहिए, लाफ्टर भी होना चाहिए, एंड आई लव दिस एस्पेक्ट ऑफ रोमांस। वेलकम टू इंडियाज बेस्ट डांसर। कहते हैं गोली सिर्फ इंसान को छल नहीं कर सकती है, लेकिन शब्द पूरी हुकूमत को हिला सकते हैं, और एक दिन यही शब्द हमें आजादी दिला सकते हैं। इस सोच के साथ आजादी के संग्राम में जुड़े वो जिनके क्रांतिकारी विचारों ने भारत की रग रग में भरा जोश। नाम था उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने पूरे देश से कहा, तुम्हारे सारे जुल्म, तुम्हारे सारे सितम का हिसाब लूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो नेताजी ही थे जिन्होंने आजादी की इस लड़ाई में भारत को पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया। वो नेताजी के शब्द ही थे जिसे सुन के भारत का बच्चा बच्चा भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान देना चाह रहा था, और यही गा रहे थे, नन्हा मुन्हा राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद। हम है स्वराज समाचार पत्रिका, और आज हम आपको कहानी बताएंगे उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने हमें बनाया। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी एक चट्टान से मैंने सर टकराया। धज्जी धज्जी रात पुरानी, छेड़ सुबह की नई ये कहानी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे, जमीन से पदक हटा दे, ओ वीरया वीरया। सुभाष, तुम तीसरी परीक्षा में चौथे रैंक पे आए हो। अगर मैंने ये पोस्ट ली तो मुझे अंग्रेजों की नौकरी करनी पड़ेगी, और उनके साथ मिलकर भारत के लोगों पर अत्याचार करना पड़ेगा, और ये मैं नहीं कर सकता। और उस पोस्ट को ठुकरा कर उन्होंने लिखा ब्रिटिश सरकार को एक लेटर। मैंने भारतीय सिविल सेवा में उम्मीदवार की सूची से अपना नाम हटवाने का निर्णय ले लिया है। मेरा चयन मौत है। 1920 परिणाम स्वरूप हुआ था। मुझे अब तक 100 पाउंड का भत्ता मिल चुका है। जैसे ही मेरा इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा, मैं यह राशि भारतीय कार्यालय में भेज दूंगा। महोदय, आपका सबसे आज्ञाधारी सेवक सुभाष चंद्र बोस। नाइस सुभाष, तुम कलकत्ता जाओ,
और सियार दास जी के साथ मिलकर भारत की सेवा करो। मिस्टर बॉस, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़का रहे हो। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। बाबूजी, हमारी सोच अलग है पर हमारा मकसद एक ही है, स्वतंत्र भारत। इसीलिए उन्होंने अपने विचारों को शब्दों में पिरोकर युवाओं तक पहुंचाने के लिए स्वराज समाचार पत्र को आगे बढ़ाया। इससे युवा जागृत हो जाएगा, ये अपने वीरों तक पहुंचा देना। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं, दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। बॉस वहाँ है, पकड़ो। मैं बॉस नहीं हूँ। वहाँ है बॉस, पकड़ो। मैं भी बॉस नहीं हूँ। सुभाष चंद्र बोस को पकड़ना अंग्रेजों के बस का नहीं था। और इस तरह शुरू हुआ स्वराज से स्वतंत्रता का सफर। मुझे लगता है ये एक्ट में जो जान थी ना वो आज बॉयज भी थे, सो आई वांट टू से थैंक यू। शिद्दत से परफॉर्म किया है, थैंक यू सो मच। मुझे ये कहानी को दर्शाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। आप सब पत्रिकाएं बने एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस स्टोरी वॉज जो हमें सीख मिलती है कि हम शोर शराबा नारे लगा के चिल्ला पुकार करके अपनी बात तो सबको सुनवा सकते हैं, लेकिन जो नेताजी ने किया वो ये था कि जो कलम है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, और ये चीज़ उन्होंने सिद्ध करके दिखाई। That the pen is mightier than the sword. वो नस नस से जो तारे निकाली हैं आपने। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। And it was at the apt time. मुझे goosebumps आ गए थे at that time. मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार। एक जो आप सब लेट कर आपके सर जुड़े हुए थे और एक आपने एक लहर बनाई, वो इतना खूबसूरत मोमेंट था। भारत ये रहना चाहिए। आई एम सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। तो ये डेफिनेटली बनता है। क्या काश है। सो
सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक बात तो ये बहुत ही करेक्ट है कि वो बहुत ही शिक्षित इंसान थे. उन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज में करी थी और उनको नौकरी भी मिली थी, लेकिन उस दौरान उन्होंने वो नौकरी ठुकरा कर ही ज्वाइन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. बिकॉज जिस तरीके से उनकी जो विचारधारा थी वो बहुत ही अलग थी, बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए थे विद ऑल द रेवोल्यूशन दैट हैड टेकन प्लेस ऑलरेडी इन द वर्ल्ड. सो ही ब्रॉट अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. तो उनको वो टाइटल दिया गया था, उनको टाइटल से नवाजा गया था, नेताजी. सो इन सो मेनी लेवल्स आज आपने वो यादें ताज़ा कर दी और कितनी खूबसूरती से आपने उसको दिखाया. आई हैव टू से ये सर झुकता है आपके टैलेंट के लिए एंड ऑल्सो टू सर फॉर डूइंग व्हाट ही डिड. ओके एंड हियर गोज़ द बज़. इस एक्ट ने मुझे एक बात की तरफ ध्यान देने पे मजबूर किया है और वो ये है कि विचार अलग हो सकते हैं, धाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन एंड गोल स्वतंत्रता पाना गोल एक ही था. और कई बार हम ये सोचते हैं क्या सिर्फ एक विचारधारा से हम ये लक्ष्य पा सकते थे, शायद नहीं. और इसीलिए अलग अलग विचारधाराओं का की इज्जत करना बहुत 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 ज़रूरी है. और ये आई थिंक ये जो शिक्षा है इस एक्ट से ये मैंने आज ली है और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी इस शिक्षा को लें. विवेक, मैं बहुत खुश हूँ कि शिवांशु को आपके जैसा गुरु मिला है. एंड दिस वॉज सो वेल डन. सो हियर इट इज. शिवांशु का अमेजिंग परफॉर्मेंस तो था ही, लेकिन विवेक आज आपके लिए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.